अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल क्विक एंड इजी चिकन करी, यानी कि चिकन ग्रेवी आप कह लें। तो ये क्विक एंड इजी रेसिपी है। चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने चिकन ले लिया है, इसको इस तरह से थोड़े से मार्क्स ऐसे लगाकर आप चिकन ले लें। और चिकन में मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक। ये देखिए जिंजर गार्लिक, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, आप चाहे तो कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा स्पाइसी कर रही हूँ मैं। ये देखिए हमारी यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एक डली बड़ी प्याज की, उसको फ्राई कर ले रही हूँ मैं, लाइक ब्रिस्टे के जैसा गोल्डन फ्राई करके निकाल लेंगे हम। प्याज को इस तरह से फ्राई करके आपको क्रिस्प कर लेना है। अभी ये थोड़ी बाकी है, थोड़ा सा और दो तीन मिनट में क्रिस्प हो गई है तकरीबन। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, हाफ अ टेबल स्पून, धनिया, वन टेबल स्पून भर के, बस ये है गरम मसाला, होममेड। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा मसाला, बस टेस्टी नमक। अब ऐड करेंगे कर्ड, अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये प्याज को इस तरह से क्रश कर ले और पूरी प्याज ये जो मैरिनेशन हमने किया है इसमें डाल दें। और बस इसको मिक्स कर ले और साथ में फ्राइड अनियन का ऑयल भी डालें। डू नॉट फॉरगेट टू ऐड खट्टा नमक, यानी कि खट्टा नमक डालेंगे एज अ लेमन, ये लेमन का ही काम करता है। ये देखिए जी हमारा चिकन जो है मैरिनेट हो गया है। तकरीबन आधा घंटा मैंने मैरिनेट के लिए रखा है। इसमें ऑयल है, सब चीज़ आपके सामने मैंने डाला है। अब हम जो है अब इसी पैन में चिकन को डालेंगे और इसको पका लेंगे। ये देखिए मैंने चिकन को डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से, मतलब ये भूनते हुए पकाऊंगी तो अच्छे से बहुत अच्छा बनेगा। ये क्विक एंड इजी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। कुछ भी ज़्यादा मसाले नहीं है, घर के जो मसाले होते हैं उसी से बस मैंने रेसिपी बनाई है। इसमें बाहर से कोई मसाले लगा के डालने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस दही रहना चाहिए और बस धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, अदरक लहसुन, हल्दी, मिर्ची, नमक, आपके सामने सब कुछ डाला है। अब इसको अच्छे से हम पका लेंगे। ये देखिए चिकन हमारा धीमे पे अच्छे से पक रहा है, आप देख सकते हैं। अब इस स्टेज पे, यानी कि अब चिकन नहीं गलाए अभी, तो मैं ऐड कर रही हूँ एक लार्ज टमाटर, उसको मैंने स्लाइस यानी कि डाइस की तरह काट लिया है। अब हम इसको भी ऐसे ही इसमें मिला लेंगे, एक टमाटर को अच्छे से इसको मिक्स करके फिर इसका लिड बंद करके इसको धीमे पे गलने के लिए छोड़ देंगे। तो आप देखेंगे कि टमाटर और चिकन दोनों भी गल जाएगा। ये देखिए टमाटर हमारा गल गया है, ये देखिए आप देख सकते हैं टमाटर ये जो मैंने एक टमाटर डाला था वो पूरी तरह से ये देखिए गल गया है। अब बस थोड़ा सा और हम गलेंगे। मैंने इसमें कुछ भी खड़े गरम मसाले नहीं डाले हैं, जस्ट सिंपल रेसिपी है।
क्विक एंड इजी रेसिपी है। अगर आपको वो रेसिपी चाहिए जिसमें खड़े गरम मसाले होते हैं तो वो रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से जाके वॉच आउट कर सकते हैं। एंड ये देखिए अभी हमारा चिकन थोड़ा सा और गलना बाकी है, तो ये जो दही का पानी अभी जो बाकी है ना इसमें ही हमारा चिकन गल जाएगा। तो अभी मैं और 10 से 15 मिनट इसको लो फ्लेम पर ही रखूँगी। ये देखिए जी हमारा जो चिकन है वो कम्प्लीटली गल गया है अच्छे से, आप देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी मैं आपको। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा चिकन गल के रेडी है, बहुत ही अच्छे से। तो मैं अभी इसको पूरा नहीं सुखा रही हूँ क्योंकि उतनी सूखा सूखा नहीं खाया जाएगा। तो मैं इसको इस स्टेज पर जो है ये इतना रेड रेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा कलर ऐड किया है और नमक भी चेक कर लिया था। एंड ये मिर्ची मैं डाल रही हूँ दम पर, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये मेरा फेवरेट हरा धनिया, ठीक है। अब इसको हम दम पे रख देंगे 2 मिनट के लिए, फाइनल लुक मैं बताऊंगी जी। ये देखिए हमारे चिकन ग्रेवी, अब आप कुछ भी कह सकते हैं, बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, लजीज लग रहा है, आप देख सकते हैं ये देखिए। और इसकी ग्रेवी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, इसका टेक्सचर और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही टेस्टी बनता है माशाल्लाह से, बहुत ही यमी। आप ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और खट्टी दाल के साथ, पतले सालन के साथ इस तरह की थोड़ी सी थिक ग्रेवी आप यू बना कर खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनी है, आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।